नमस्कार, स्वागत करते हैं आपका एजुकेशन इंडिया चैनल में। तो जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के फाइटर प्लेन्स आए थे इंडिया पर हमला करने, लेकिन क्या सोच कर आए थे कि हम इंडिया वाले सैनिकों को मार देंगे, लेकिन इंडिया के सैनिकों ने ही उनका काम पलट कर दिया, उनको खुद को ही मार दिया और उनके फाइटर प्लेन को क्रैश कर दिया। और उस फाइटर प्लेन का नाम था F-16 और इससे पूरे सैनिकों में जोश व खुशी मनाई जा रही है। F-16 आया था भारत में यह सोच कि भारत के सैनिकों को मार दे, लेकिन ऐसा कतई नहीं हो सकता है। भारत के सैनिक पाकिस्तान जैसे गिद्ध देश से मात खाता, ऐसा नहीं हो सकता है। और पाकिस्तान के विमान को ही मार दिया और इंडिया के विमान सुरक्षित रहे, लेकिन इंडिया के लिए भी एक बहुत ही बड़ी दुख की खबर रह चुकी है कि एक पायलट के गायब होने की बात बताई जा रही है। तो पूरी जानकारी यहाँ पर पाने वाले हैं कि क्या कुछ हुआ था, कैसे पाकिस्तान वालों ने हमला करने की कोशिश की थी और कैसे इंडिया ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। इसलिए दोस्तों वीडियो को देखते रहिएगा लास्ट तक, ताकि पूरी की जरूरी जानकारी, पूरी की पूरी प्रक्रिया जो कि पाकिस्तान करने वाला था, मिल सके। यहाँ पर आप देख सकते हो, भारत ने पाक की नापाक कोशिश को किया नाकाम। MiG-21 ने पाक के F-16 लड़ाकू विमान को मार गिराया। आतंकी संगठन जैसे मोहम्मद के कैंप पर हमले से बौखलाए पाकिस्तान ने हवाई सीमा का उल्लंघन किया। इस दौरान भारतीय वायुसेना के MiG-21 ने पाक के लड़ाकू विमान F-16 को मार गिराया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने जानकारी दी। रवीश कुमार ने बताया कि पाकिस्तान की कोशिश को सफलतापूर्वक नाकाम किया गया, हमने उनके एक फाइटर प्लेन को मार गिराया। हालांकि इस दौरान हमें एक MiG-21 का विमान का नुकसान भी हुआ। बता दें कि पुलवामा हमले के बाद हुई भारत की जवाबी कार्रवाई से पाकिस्तान बौखलाया हुआ था। दरअसल पाकिस्तान की सीमा में घुसकर जैश आतंकी कैंपों पर भारतीय वायुसेना के हवाई हमलों के बाद पाकिस्तान और भारत के बीच तनातनी काफी बढ़ गई। सीमा पर पाकिस्तान विमान की हरकतों के मद्देनजर सुरक्षा के लिहाज से एहतियात बरतते हुए भारत और पाकिस्तान की सीमा से जुड़े एयरपोर्ट और एयर स्पेस को हाई अलर्ट पर कर दिया गया। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जम्मू, श्रीनगर, लेह और चंडीगढ़ एयर स्पेस को बंद कर दिया गया और कई उड़ानों को रोक दिया गया। उधर पाकिस्तान ने भी सीमा से सटे हवाई अड्डों से विमान की आवाजाही बंद कर दी। इन हवाई अड्डों से कोई अंतर्राष्ट्रीय उड़ाने भी संचालित नहीं होगी। इस प्रकार से न्यूज निकल के आ रही है। आपको बता दें, एक MiG-21 का लॉस भी हुआ है भारत द्वारा। वही जम्मू कश्मीर के बडगाम जिले में भारतीय वायुसेना के एक विमान के बुधवार को दुर्घटनाग्रस्त होने के फौरन बाद भारत एवं पाकिस्तान की सेना के बीच नियंत्रण रेखा के दोनों तरफ से हो रही गोलाबारी के मद्देनजर श्रीनगर, जम्मू कश्मीर एवं लेह हवाई अड्डों पर व्यावसायिक विमानों की आवाजाही बंद कर दी गई। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी AAI के एक अधिकारी ने कहा कि आपात स्थिति को ध्यान में रखते हुए व्यावसायिक विमानों की आवाजाही को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया। हालांकि अधिकारी ने आपात स्थिति की प्रकृति के बारे में नहीं बताया, लेकिन माना जा रहा है बुधवार सुबह बडगाम जिले में भारतीय वायुसेना के एक विमान के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के मद्देनजर ये कदम उठाए गए हैं। जम्मू और लेह हवाई अड्डों को भी व्यावसायिक विमानों के लिए बंद कर दिया गया। नियंत्रण रेखा के दोनों तरफ से गोलाबारी बढ़ जाने से सुरक्षा बलों एवं अन्य प्रतिष्ठानों को हाई अलर्ट पर रख दिया गया। ये गोलाबारी पाकिस्तान सेना की ओर से बुधवार तड़के शुरू हुई थी। तो पाकिस्तान ने एक नापाक घटना, नापाक हमला करने की कोशिश की, लेकिन भारतीय वायुसेना हो, थल सेना हो, हर किसी ने उसका जवाब डट के दिया और उसको नाकाम कर दिया। अभी तक ये खबर नहीं आई है कि इसमें भारत के कितने जवानों को का नुकसान हो चुका है। तो क्या बताया जा रहा है, एक बताया जा रहा है न्यूज़ की एक MiG-21 में जो जवान था वो गायब हो चुका है, उसकी कोई भी रिपोर्ट नहीं आ रही। बस इतना ही बताया जा रहा है गायब हो चुका है, इसके बाद कोई रिपोर्ट नहीं आ रही है। जैसे ही पूरी रिपोर्ट आती है तो आपको इस चैनल पर सबसे पहले अपडेट कर दिया जाएगा। दोस्तों जय हिंद लिख दीजिएगा कमेंट में, ताकि आपको ऐसे ही वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो सके और उन जवानों के लिए, उन शहीदों के लिए जो कि पुलवामा में शहीद हुए थे, उनके लिए जय हिंद लिख दीजिएगा। और उन जवानों के लिए जो आज डटकर मुकाबला कर पाए हैं पाकिस्तान से, उनके लिए भी जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। इस वीडियो में इतना ही था, वीडियो को देख लें, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।